हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास हम लोग देख रहे थे फिजिकल जोग्राफी की क्लासेस और इस फिजिकल ज्योग्राफी में बेसिकली द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज़ अ जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं दिस इज द लास्ट क्लास टुडे वी विल डिस्कस वॉट एवर लेफ्ट इन दैट टॉपिक फटाफट शुरू करते हैं लेटस स्टार्ट लेटस्ट कम्प्लीट एंड लेटस्ट क्रैक बट बिफोर दैट दीज आर वॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अदर कोर्सेज वेर यू कैन ज्वाइन एडवांस जोग्राफी कोर्स दैट इज अगेन एनदर लेवल फॉर दिस जोग्रफी इसके अलावा आप टेस्टरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं द टेस्टरीज अवेलेबल इन टू मोड्स विद मॉडल आंसर एंड विदाउट मॉडल आंसर इसके अलावा आप स्टडी मटेरियल के भी लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू विद दिस ई मेल और या फिर आप वेबसाइट पर भी विजिट करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सो लेट सी अगेन द सिलेबस पार्ट कि क्या क्या सिलेबस था तो वी हैव कम्पलीटेड नीरली ऑल द टॉपिक्स एंड वन बाई वन करके देखें तो हम लोगों ने फैक्टर्स इन लैंड फॉर्म डेवलपमेंट कम्प्लीट कर लिया इंडोजोनेटिक्जोजोनेटिक फोर्सेज भी कंप्लीट कर लिया है अर्थ एक्राज से रिलेटेड जियो मैगनेटिज्म इंटीरियर जियो सिंक्लाइन पेट टेक्टोनिक कॉन्टिनेंटल ट्रिफ्ट आइसिस सी माउंटेन बिल्डिंग जितनी भी चीजें हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल लैंड फॉर्म डेवलपमेंट वी हैव स्टडीड नाउ दिस डेनिडेशन क्रोनोलॉजी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था चैनल मॉर्फोलॉजी दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इरोजन सरफेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे स्लोप डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इन द लास्ट क्लास एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी अब देखिए ये जो टॉपिक होता है बेसिकली ये यहाँ पर देखिए कुछ खास है सच पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर केवल और केवल जो भी आपकी डे टू डे फिनोमिनाज हो रही हैं जो भी कंटेम्प्रेरी चीज़ें हो रही हैं केवल आप उसे ही स्टडी करनी होती है एंड कीपिंग इन माइंड जो भी आपके पुराने कंसेप्ट्स हैं मतलब जो भी आपने टेक्निकल डिटेल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी है उसी के बारे में केवल यहाँ पर आपको अप्लाइड पार्ट पढ़ना होता है

इन तीन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो फटाफट फड़ शुरू करते हैं आज के टॉपिक को हम लोग जो ये सब देखने वाले हैं सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे इरोजनल सरफेस के बारे में एंड द इरोजनल सरफेस इज ऑफ सेवरल टाइप्स जैसे आप पेडी प्लेन पेनी प्लेन पैन प्लेन या फिर ग्लेशियल इरोजन तो कई सारे इरोजन के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी है और बस इसे एक बार सिंपल शॉर्ट नोट के बेसिस पे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जैसे यहाँ पर अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे तो दे आर बेसिकली टू फोटोग्राफ एक में पेनी प्लेन के बारे में और दूसरे में पेडी प्लेन के बारे में दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको डेविशियन थ्योरी बेसिकली समझ में आएगी और दूसरे साइड में अगर यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज पेंक थ्योरी ये पेंक की थ्योरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर आप देखेंगे तो दिस इज कॉन्वेक्सो कॉन्केव सरफेस एंड दिस कॉन्वेक्सो कॉन्केव इज बेसिकली बेस्ड ऑन द वैक्सिंग एंड वेनिंग ये वैक्सिंग और वेनिंग से रिलेटेड है जबकि यहाँ पर अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन से रिलेटेड है और इसी वजह से इन दोनों का अलग अलग नाम है वन साइड इज इट इज़ अ पेनी प्लेन एंड अनदर साइड इट इज़ पेंक क्लियर तो इनके बारे में अगर देख लेते हैं कि वॉट एग्जैक्टली इज द शॉर्ट नोट एंड वॉट यू हैव टू राइट वेन यू वर यू आर हैविंग अ क्वेश्चन ऑन दिस पेनी प्लेन तो पेनी प्लेन के बारे में ये एंड प्रोडक्ट ऑफ डेविस साइकिल है इसके अलावा ज द सर्फेस जस्ट बिफोर फाइनल फ्लैटनिंग फाइनल प्लेन जब बन जाएगा उसके जस्ट पहले एक सर्फेस जो मिलती है एंड दिस मोनाडनॉक्स बेसिकली आप लोग ये ध्यान रखिएगा इट इज अ काइंड ऑफ लैंड फॉर्म ठीक है जो किसके कारण से बनेगा ऑब्वियसली रिवर रिवर के फ्लूवियल एक्शन के कारण से बनता है क्लियर इसके अलावा ये जो होती है सी लेवल के पास में रहेगा ऑब्वियसली दिस इज़ द लास्ट फेज़ ऑफ रिवर एंड दैट इज़ वाई ये जो चीज़ पहुँचेगी वो सी लेवल के पास में ही रहेगी बिग लार्ज और स्लगिश रिवर्स विथ ऑक्सबो लेक तो ये इसकी एक फीचर्स हो जाएगी जहाँ पर अगेन आप फ्लूवियल एक्शन के थ्रू इसको लैंडफॉर्म को समझ सकते हैं पेनी प्लेन में हैव डिपॉजिट फुल फीचर्स लाइक एलुवियल फैन अलॉन्ग with फूट हिल्स जैसे कि डेल्टा वगैरह होता है सेम वैसे ही आप यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा जो रिसरेक्टेड प्लेन्स होती है रिसरेक्टेड प्लेन का मतलब जो एक बार पानी में ढक गई थी पानी के अंदर डूब गई थी ये वापस से रीसरेक्ट हो गई हैं मतलब वापस से री इमर्ज हो गई हैं तो ये रिजुविनेशन के दौरान में इस चीज़ को आप समझते हैं पढ़ते हैं तो रिसरेक्टेड पेनीप्लेन आर एक्चुअली एग्ज्यूम्ड पेनी प्लेन आर दोज विच हैव एक्चुअली हैव दिस इज सबमर्ज है दिस इज सबमर्ज इसको कर लीजिएगा दिस इज सब मर्ज अंडर वाटर आर कवर्ड बाई सेडिमेंट्स एंड रिफ्लेक्टेड बैक तो आप समझ गए होंगे बेसिकली क्या यहाँ पर बातें हो रही हैं जो लोकल प्लेन पेनीप्लेन होती है दे आर फॉर्मड बिकॉज ऑफ द लोकल फैक्टर्स और वो फैक्टर भी अगेन फ्लूल एक्शन ही होता है एंड दिस इज द लोकल बेस लेवल देखिए लोकल बेस लेवल का मतलब होता है दे आर नॉट एक्चुअली परमानेंट ये जो होते हैं वो टेंप्रेरी होते हैं और विद द एक्शन ऑफ वाटर यानी कि रिवर के ये चेंज होते रह सकते हैं मॉडिफाई हो सकते हैं तो इस वजह से ये लोकल पेनीप्लेन कहा जाता है इसके अलावा लोकल पेनीप्लेन में मर्ज कोइलीज अलॉन्ग विद द लोअर कोर्ट ऑफ कोर्स ऑफ द दिस इज एक्चुअली कोर्स सी ओ यू आर एस ई कोर्स ऑफ द रिवर टू फॉर्म लार्जर पेनीप्लेन कॉल्ड रीजनल पेनीप्लेन तो दोनों के दोनों एक ही बातें हैं ज़्यादा कुछ खास नहीं है और इसमें समझने के लिए भी कुछ खास नहीं था क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर सके हैं अपने लास्ट लेक्चर में वहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर फोटोग्राफ एंड प्रॉपर ज्योमेट्री का यूज़ करके हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था क्लियर बाकी जो टेम्प्ररी वाली बातें थी ऑलरेडी हम लोगों ने वो डिस्कस कर ली हैं आगे बढ़े तो पेडीप्लेन के बारे में है दिस पेडीप्लेन इज बिकॉज ऑफ पेंक फोर्स यानी पैंक ने जो थ्योरी दी थी उसके बेसिस पे हमें ये पेडीप्लेन की थ्योरी मिलती है तो मोरलेस चीज़ें वही होने वाली हैं बस थोड़ी मोड़ी चीज़ें होंगी जैसे यहाँ पर पेंक की ये विनिंग फेस के प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा कॉन्विक्सो कॉन्केव सरफेस आ जाएगी यहाँ पर जो मोनाइनॉग जैसे डेविस में बनती है वैसे यहाँ पर इन्होंने इसे इनसेल्बर का नाम दिया था यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं बेसिकली जो रीज़न दिया गया था वो बेटर एक्सप्लेन किया गया स्लोप रिट्रीट मॉडल ऑफ एलसी किंग के द्वारा देखिए थोड़ी मोड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं बिकॉज यहाँ पर टाइपिंग एरर आ रही है सो so, आप समझ लीजिएगा यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सो एल सी किंग ने जो स्लोप रिट्रीट मॉडल दिया था बेसिकली उसके सहायता से इसे एक्सप्लेन किया गया था और जो पेंक ने दिया था क्या दिया था उन्होंने पेंक ने दिया था स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल ये ध्यान में रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन द लास्ट क्लास इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इसके अलावा इंसेलबर्ग विथ वर्टिकल स्लोप्स आर एक्सप्लेन बेस्ट बाई अगेन द एल सी किंग वाला जो रिट्रीट मॉडल था जिसमें हम लोगों ने इस तरीके से जो अलग अलग प्लेन्स आई थी उसमें हम लोगों ने ये पैरल रिट्रीट किया हुआ था जो कि शुरुआत में जो हमारे पेंग साहब थे उनको गलत इंटरप्रेट किया गया था बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन प्रॉब्लम जो कि हम लोगों ने देख रखा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पेडिमेंट्स फॉर्म्ड बाई पेडीप्लेनेशन और पेडिमेंटेशन पेडिमेंट्स के कारण से जो भी टूटा हुआ पार्ट है उसके कारण से जो चीज़ बनता है उसके कारण से हमें ये स्लोप मिलती है यहाँ पे मर्जर या फिर जो कोयलीज होती है आपस में जुड़ जाती है ऑफ न्यूमरस पेडिमेंट्स आफ्टर कंप्लीट इरोजन ऑफ द इन इंटरवीनिंग स्लोप इसी को हम लोग बोलते हैं पेरी पेडिमेंटेशन ठीक है तो जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा स्लोप या फिर दो मटेरियल है वो आपस में एग्ज्यूम होकर के एक साथ मिल करके फिर इस तरीके का सरफेस बनाता है तो उसे हम लोग पेरी पेडिमेंटेशन बोलते हैं नाम याद रखिएगा शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है पेडिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिवर इरोजन वेयर एज जो पेडी प्लेन होती है दोनों में जरा ध्यान रखिएगा दिस इज पेनी प्लेन जो कि डेविस ने दिया था ये बेसिकली प्रोडक्ट किसका हो गया रिवर इरोजन का जबकि पेडी प्लेन जो कि पेंक का है ये है बेसिकली अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन के कारण से जो चीज़ बनी हुई है यानी आप एक सिंपल किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण से जो लैंडफॉर्म बन रहा है उसमें क्या स्लोप डेवलपमेंट हो सकती है वो पैंक के सहारे आप बता सकते हैं बिकॉज द अप्रोच वॉज वॉट द अप्रोच वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड था ये बेसिकली बेस्ड था प्रोसेस अप्रोच पे जबकि डेविस की जो थ्योरी थी वो हिस्टोरिकल अप्रोच या डिनेशन दुन, क्रोनोलॉजी पे बेस्ड थी क्लियर अब हम लोग एक नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पैन प्लेन दिस इज समथिंग न्यू दिस इज समथिंग डिफरेंट और इसे दिया गया था क्रिकमे साहब के द्वारा क्रिकमे ने कहा कि दिस इज कंसिडर्ड टू तो बी मोर क्लोजर टू द रियलिटी दैन द डेविसियन आइडिया तो दे डेविस तो ने जो जो गड़बड़ियाँ की थी उसके गलतियों को उसके जो भी ड्रॉबैक्स थे उसको दूर करके इस थ्योरी को दिया गया था यहां पर इन्होंने जो क्रिकमेन ने कहा था बेसिकली इन्होंने कहा कि जो लेटरल इरोजन है दे आर एक्चुअली एज्यूम द डोमिनेंट रोल इन द लेटर स्टेज ऑफ इरोजन साइकिल अब जैसे होता क्या है सपोज दिस इज मान लेते हैं कि कोई वैली बन रही है या कुछ भी बन रहा है अब यहाँ पर होगा क्या कि जब लेटरल इरोजन दिस इज डाउन कटिंग जो नीचे हो रही है और ये जो इधर उधर कटिंग होती है उसे हम लोग लेटरल इरोजन कहते हैं तो लेटरल इरोजन के रूम इस तरीके से सरफेस बनते आएगा एंड दिस विल गो लाइक दिस ठीक है तो इस तरीके से जब हमारा सरफेस बनते आएगा तो हमारा जो अंत में सरफेस बचेगा दिस विल लुक लाइक समथिंग कॉन्वेक्स कॉन्वेक्सो कॉन्केव सर्फेस एंड दैट विल बी अल्टीमेटली कॉल्ड एज पैन प्लेन तो ये पैन प्लेन बन जाएगा दोनों में अंतर समझ में आ गया हाउ इट इज़ टर्निंग फ्रॉम हीयर टू हीयर कैसे ये एक चैनल से मतलब कि एक रिवर के चैनल से किस तरीके से टर्न होकर के अपने इस कॉन्वेक्सो कॉन्केव फ्लैट सरफेस पे पहुंच गया ये समझ में आ गया यही चीज़ बताई गई थी क्रिकमे के द्वारा और इन्होंने जो मतलब फ्लैट फीचरलेस प्लेन होने से जस्ट पहले जो स्लोप बन रही है उसको ही कहा था इन्होंने पैन प्लेन क्लियर तो यहाँ पर थोड़ी सी बहुत ही बारीकी है तो आप लोग इसको डिफरेंस ध्यान में रखिएगा Clear. Lateral erosion जो की की आती है, ये broad plain ultimately बनाती है. है. ये बनाती तो इस तरीके से पूरी पूरी बन जाती है. जो डेविस का आइडिया था बेसिकली वो डाउन कटिंग को ज्यादा ध्यान में रखता था बजाय लेटरल को रिजन को अब लेटरल को रिजन के बारे में उतना ज्यादा इन्होंने फोकस नहीं किया इन्होंने की ज्यादा किया क्योंकि इन्हें रिवर के यूथ स्टेज पे ज्यादा इन्होंने फोकस किया हुआ था इनफैक्ट आप लोगों ने देखा था कि डेविस ने बोला था कि लैंडफ़ॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज जहां पर इन्होंने स्टेज और प्रोसेस पे ध्यान दिया था बट स्ट्रक्चर को इन्होंने इग्नोर कर दिया था दैट इज एक्चुअली बीन टेकन केयर बाई में और अल्टीमेटली इन्होंने अपनी थ्योरी इस तरीके से दी थी सो द पैन प्लेन इज मच फ्लैटर दैन द पेनी प्लेन ऑल द जो भी रेसिडुअल हिल्स हैं इन बिटवीन द मोनाइड नॉक्स बेसिकली इसी तरीके के पैन प्लेन्स बनाते हैं इन पेनी प्लेन देर इज अमिनेंट ऑफ डेबरिस वेयर एज इन पैन प्लेन दिस वेदर दे आर टेकन अवे एंड वट इज वट एवर इज फॉर्म इज बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट्री डिपॉजिट तो इस अल्टीमेटली यहाँ पे कहने का पूरा का पूरा मतलब यही है कि लेटरल इरोजन होगा एंड बिकॉज ऑफ दिस लेटरल इरोज़न जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव सर्फेस हैं वो बनेंगे और अल्टीमेटली फ्लैट फीचरलेस प्लेन बन जाएंगी और इस तरीके से यहाँ पर क्रिकमे की जो पैन प्लेन की थ्योरी है वो आ जाएगी लेकिन कुछ क्रिटिक्स भी हैं उनका भी कुछ कुछ कहना है उनका कहना यह है कि द फ्लड प्लेन अक्यूपाई रिलेटिवली स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लेन तो इस वजह से हम इसे अलग से या फिर कोई भी इरोजनल सरफेस हम नहीं बोल सकते हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन वाली और शॉर्ट लेंथ की भी होती है तो इसे हम नहीं कहना चाहिए बट दिस इज़ द थ्योरी जो कि अगेन डेविस के आइडिया से इम्प्रूव्ड वर्जन में आप थ्योरी देख सकते हैं दिस वॉज द थिंग एंड इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि जो पेनी प्लेन है उसका अल्टरनेटिव ही पैन प्लेन है सो देर इज़ नॉट एज सच डिफरेंस बट द ओनली डिफरेंस इज हाउ यू आर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस किस तरीके की प्रोसेस को आप फोकस कर रहे हैं उस तरीके से बन जाता है इसके अलावा मरीन डेन्यूडेशन के बारे में भी आप समझ सकते हैं दिस इज द फोर्थ यू कैन इरोजनल सरफेस जो कि मरीन के कारण से हो रही है अब मरीन के कारण से होगी सीधी सी बात है यहाँ पर क्या है वेव कट प्लेटफॉर्म्स स्ट्रक्चर्स वगैरह बनेंगे तो आप सीधी सी बात है जितने भी आप डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी ऑफ मरीन देखे हैं मरीन सेड लैंड के बारे में देखे हुए हैं वो सारा का सारा आप यहाँ पर भी कैरी कर सकते हैं यहाँ पर भी उस चीज़ को आप ले आ सकते हैं तो लॉन्ग कंटिन्यूड मरीन इरोजन कैन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंसिव प्लेनेशन बट फॉर दैट सी लेवल शुड रिमेन कांस्टेंट। अब देखिए सी लेवल तो कांस्टेंट रहता नहीं है इस कारण से जो भी लैंडफॉर्म बन सकते हैं बनते भी हैं लेकिन वो फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे इरोड भी हो जाते हैं सो द डिपोजिशन प्रोसेस गोज़ अलॉन्ग विद इरोजन प्रोसेस जिसके कारण से लगातार हर एक दिन नया लैंडफॉर्म बनता है हर एक दिन नया लैंडफॉर्म ख़राब भी होता है तो यहाँ पर कोई परमानेंसी नहीं है जिसके कारण से हमें इस तरीके की डिनुडेशन क्रोनोलॉजी या फिर कह लीजिए इरोजनल सरफेस नहीं मिलता है लेकिन अगर इस तरीके से हमें लॉन्ग टाइम तक अगर मान लेते हैं कि सी सरफेस जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है दैन ऑब्वियसली वी विल गेट सच काइंड ऑफ मरीन डेन्यूडेशन प्लेन क्लियर तो बस यही चीज़ थी यहाँ पर जो डिस्कस करने वाली थी इन कंपेरिजन टू पैनी प्लेन इट इज़ मोर लेवल और ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर क्या होगा कि मोर लेवल इसीलिए होगा बिकॉज द मटीरियल आर सफिशेंटली अवेलेबल साथ ही साथ में परमानेंसी भी है टेम्परेचर में कुछ ख़ास चेंज होने वाला नहीं है बिकॉज द क्लाइमेट इज़ मेरी टाइम क्लाइमेट तो यहाँ पर कुछ खास चेंज होने वाला नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो होंगे स्टेबल स्ट्रक्चर्स लेकिन इट ऑल डिपेंड्स की द लेवल ऑफ सी इज स्टेबल और नॉट अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए देर इज नॉट गोइंग देर यू विल नॉट फाइंड एनी सच काइंड ऑफ प्लेन इन द मरीन एरियाज क्लियर यहाँ पर जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है उसके बारे में तो हम लोगों ने देख ही लिया कि सी लेवल जो है वो चेंज करता रहता है नेक्स्ट जो आती है वो हमारे पास आती है ग्लेशियल इरोजन अगेन ग्लेशियल इरोजन के लिए भी सेम ही प्रोसेस है सेम ही तरीके हैं लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है जैसे कि एरिट सर्क या फिर ड्रम ड्रमललिंग तो खैर आपका डिपोजिशनल हो जाती है तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम लोगों ने ग्लेशियर लैंडफॉर्म इरोजन के कारण से डिस्कस कर रखी है कुछ लिमिटेड एरियाज़ में द एक्शन ऑफ ग्लेशियर आर वेरी स्ट्रॉन्ग जैसे कि पोलर एरिया में आ जाइए या फिर हाई एल्टीट्यूड एरिया में माउंटेन एरिया में आ जाइए तो वहाँ पर ग्लेशियल का जो इफेक्ट है वो हमें काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलता है एंड द माउंटेन में बी रिड्यूज टू एन इरेगुलर सरफेस बिकॉज ऑफ दिस ग्लेशियल इरोजन इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है याद रखना है आपको कि जो एंड प्रोडक्ट है उसे हम एल्टी प्लेनेशन या फिर कायरोप्लेनेशन भी बोल सकते हैं तो एल्टी प्लेनेशन या कायरप्लेनेशन इन दोनों पर भी एक शॉर्ट नोट आप तैयार करके रखिएगा बिकॉज दीज आर अगेन अन एरियाज एंड यू नीड टू वर्क हियर क्लियर अब हमारे पास एक और सरफेस आता है इसको हम लोग एग्ज्यूम्ड सरफेस बोलते हैं ये एस सच किसी एक स्पेसिफिक एक्सटर्नल फोर्स के कारण से नहीं बनती है लेकिन यू कैन से कि हर एक एक्सटर्नल सोर्स में दिस इज द लास्ट फेज फॉर एनी लैंडफॉर्म तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ लैंडफॉर्म है जो कि इरोड और बरी होने के बाद में अगर मान लीजिए वापस से रीएक्सपोज किया जाए तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं दे आर बेसिकली डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द डेब्रेस या जो भी डिपॉजिट्स हैं उनके कारण से ऐसा हमें जनरली ऐसा मिला नहीं है केवल ये थ्यूरीज में ही है थॉट्स में ही है और ऐसी चीजें अभी तक हमें ए सच मिली नहीं है बट स्टिल वी आर लुकिंग फॉर इट सो जिस तरह से आइसोस्ट्रेसी का एक बैलेंस कॉन्सेप्ट होता है सेम वैसे एग्ज्यूम्ड सरफेस को भी हम लोग मानते हैं कि दिस इज अ प्लेन ऑफ यून अनकन्फॉर्मिटी इन ग्लेशियल बैलेंस और इस तरीके से एग्ज्यूम सर्फेस हम लोग अपना मानते हैं बट अगेन हमें ऐसे प्रैक्टिकल रियल लाइफ में हमें ऐसा सच नहीं मिला है क्लियर तो हम लोगों ने जो इरोजनल सरफेस का कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लिया काफ़ी डिटेल में इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलना चाहिए और जो भी डिस्कशन हुआ है उसके बेसिस पे आप यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक आती है हमारी चैनल मॉर्फोलॉजी को लेकर के चैनल मॉर्फोलॉजी में पहले ही एक आपको डिक्लेरेशन दे देना चाहूँगा यहाँ पर कि देखिए ये टॉपिक जो होता है वो सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है बेसिकली दिस इज सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक और ये बेसिकली इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है तो आप लोग चैनल मॉर्फोलॉजी को जियोग्राफी के बेसिस पे पढ़िएगा आप सिविल इंजीनियरिंग के बेसिस पे मत पढ़िएगा अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं कई सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना होता है कई पैरामीटर होते हैं तो हमें इसके बारे में नहीं जानना है हमें इसकी जोग्राफ़ी जाननी है मतलब आप बेसिक टर्म्स के बारे में केवल और केवल जानते रहिए इस बेसिक टर्म के साथ साथ आप केवल और केवल इसमें क्या ज्योग्राफी फॉलो हो रही है दैट ओनली यू नीड टू फोकस ऑन क्लियर अब चैनल में दो तीन चीजें होती हैं जो आपको पढ़ना होता है एक इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स है तो जो टेक्निकल डिटेल्स हैं बेसिकली उसमें आपको केवल और केवल सरफेशियल ही देखना होता है बिकॉज यहां पर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है दूसरा इसमें आप देखिए चैनल बना है किसके कारण से रिवर के कारण से बनेगा तो रिवर के कारण से जो इसकी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होती है वो आप ध्यान में रखिएगा जैसे जो भी यूथ हो गई मैच्योर हो गई या फिर से एज हो गई तो सेकेंड फॉर्मेट में आप यहाँ पर जा सकते हैं थर्ड चीज़ में यहाँ पर आ सकते हैं कि आखिर में रीजुविनेशन क्या होता है तो आप रीजुविनेशन को भी यहाँ पर आप इंटीग्रेट करके इस पूरे आंसर को लिख सकते हैं सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे हमारे टेक्निकल डिटेल्स की और बाकी इन दोनों के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड तो इसके बारे में हम लोग वापस डिस्कस नहीं करेंगे जो लोग इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या तो आप जी सी लियॉन्ग वापस से पढ़ लीजिए यहाँ पर काफी बेटर तरीके से लिखा गया है इनफैक्ट अगर आपके पास एन सी आर टी और वो भी ओल्ड एन सी आर टी है जो जीरोक्स फॉर्मेट में मिलती है अगर वो है तो आप उसके साथ भी गो थ्रू कर सकते हैं या फिर जो रिवर मॉर्फोलॉजी पर वीडियो बनी हुई है उसको भी आप देख करके समझ सकते हैं बिकॉज़ इन दैट वीडियो वी हैव रेफर्ड दीज टू बुक्स और इसके जो टेक्स्ट हैं जो कंसेप्ट वो बेसिकली हम लोगों ने इसको रेफ़र किया हुआ है तो दैट हम लोग जो डिस्कस अभी फिलहाल करेंगे वो केवल और केवल टेक्निकल डिटेल्स करेंगे बाकी मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चरिंग बता दी है यहाँ पर अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोटोग्राफ देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो दिस इज़ बेसिकली इस टाइप का चैनल बनाया गया है इसी को बोलते हैं चैनल अब चैनल में क्या होती है कि देखिए यहाँ पर यह पूरा का पूरा रिवर फ्लो करेगा अब इस चैनल के फ्लो करने के कारण से दो चीज़ें होंगी एक तो वर्टिकल डाउन कटिंग होगी मतलब कि बिकॉज ऑफ द जितना भी स्पीड है उसके कारण से डाउन कटिंग होगी इस डाउन कटिंग के साथ ही साथ लेटरल इरोजन भी होगा इस लेटरल इरोजन के कारण से और डाउन कटिंग के कारण से इनका जो चैनल है वो बड़ा हो जाएगा देखिए पहले यहाँ पर था दिस वॉज द चैनल नाव दिस वॉज दिस इज़ द चैनल सिमिलरली ये देखिए लगातार ये बढ़ते आ रहा है इसी तरीके से देखिए यहाँ पर और स्ट्रेच कर गया तो यहाँ पर आप देखेंगे बीच में जो होती है कुछ कटिंग आ गई है और मतलब अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रिवर स्पीड रिवर की वॉल्यूम एंड रिवर की जो भी इसकी प्रॉपर्टी इस केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सो यू कैन डायरेक्टली से बिकॉज ऑफ द रिवर्स दिस फिजिकल प्रॉपर्टी यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच काइंड ऑफ मॉर्फोलॉजी वी कैन सी इन द रियल लाइफ इन द एरियाज ऑफ इन द एरिया वेयर लैंडफॉर्म्स इवॉल्व बिकॉज ऑफ द रिवर फ्लूल एक्शन क्लियर तो अब जरा इस टेक्निकल डिटेल के बारे में आ जाते हैं कि चैनल मॉर्फोलॉजी जिसे हम रिवर चैनल मॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं इट इज़ एक्चुअली अ कंप्लीट स्टडी ऑफ चैनल फ्रॉम जोग्राफी एस्पेक्ट टू चैनल फ्लूड डायनेमिक एस्पेक्ट अब देखिए ये जो चैनल एस्पेक्ट है या फिर फ्लूड स्टेट एस्पेक्ट है ये सारा इंजीनियरिंग का टॉपिक है तो आपको इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और डरने की भी जरूरत नहीं है आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज़ अ इंजीनियरिंग टॉपिक दैट डज नॉट मीन यू हैव टू गो थ्रू विद द इंजीनियरिंग एंड ऑल डैट ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है तो इनफैक्ट दिस इज़ द ओनली रीजन वाई नियरली ऑल द इंजीनियर्स आर ऑप्टिंग दिस जोग्रफ़ी क्योंकि देखिए ये टॉपिक जो है ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली वो काफ़ी साइंटिफिक सब्जेक्ट है और इसमें इंजीनियरिंग के कई सारे कंसेप्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं ऑल दो यू कैन नॉट राइट इट बट स्टिल यू कैन इनहेरिट दो कन्सेप्ट एंड विद द हेल्प ऑफ दोस कन्सेप्ट यू कैन स्टडी जोग्रफी इन अ वेरी डिफरेंट मैनर और बेटर तरीके से आपको समझ में भी आएगी इसीलिए टॉपिक जो होता है इन दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर इसे प्रॉपरली आप गो थ्रू करते हैं तो ओके okay. अब इसमें कुछ मेजर कंपोनेंट होते हैं चैनल मॉर्फोलॉजी के जैसे चैनल ज्योमेट्री अब इस चैनल ज्योमेट्री ज्योमेट्री का मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ज्योमेट्री का मतलब होता है जो रेखा गणित होती है अब इसमें आप चैनल लेंथ हो सकती है चैनल विथ हो सकती है चैनल की डेप्थ हो सकती है वेटेड पैरामीटर हो सकता है और चैनल थाल वेग हो सकता है क्या चीजें हैं इसके बारे में देख लेते हैं देखिए सपोज दिस इज द चैनल ये हम चैनल का एक तरीके से कह लीजिए फ्रंट व्यू लिए हैं ठीक है सो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ चैनल अभी देखिए फ्रंट व्यू का मतलब होता है जब आप फ्रंट से देख रहे हैं टॉप व्यू का मतलब होता है जैसे ये जितने भी फोटोग्राफ आपको बने हुए हैं दे ऑल आर टॉप व्यू ठीक है अगर आप इधर से देखेंगे तो ये लेफ्ट व्यू हो जाएगा और इसी तरीके से राइट right व्यू तो ये सब साइड व्यूज हो जाते हैं बॉटम व्यू अगर नीचे से देखेंगे तो ठीक है तो चैनल व्यू में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया है जहां पर वाटर जा रहा है अब दो फोर्सेज हैं यहाँ पर एक जो वाटर के वाटर के मॉलिक्यूल आपस में लगाएंगे और दूसरा वाटर के मॉलिक्यूल इस सरफेस के साथ में फोर्स लगाएंगे सो so इस तरीके से हमारे पास दो फोर्सेज आती है वन इज़ द एडहेसिव फोर्स एंड सेकेंड इज कोहेसिव फोर्स तो कोहेजन के कारण से कोहेसिव फोर्स लगती है और एडहेसन के कारण से एडहेसिव फोर्स लगती है जानने की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दिस इज जस्ट टू अगेन क्लियर यू कि ये जो फिजिक्स है वो यहाँ पर आप ले आ सकते हैं फ्लूड डायनमिक्स इस तरीके से यहाँ पर लगती है फ्लूड डायनमिक्स जो है वो इस तरीके से यहाँ पर लगती है अब देखिए यहाँ पर आपको तीन चार चीज़ें दिख रही होंगी एक कि इसकी ये डेफ्थ कितनी है कितना हाइट है इसको बोलते हैं चैनल डेफ्थ तो यहाँ पर जो चैनल दिस डेफ्थ लिखा हुआ है वो समझ में आ गया चैनल की विथ होती है ये दिस इज द विथ और ये एवरेज विथ ली जाती है मतलब आप देखेंगे तो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ विथ्स दीज आर द विथ तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन एक फार्मूला होता है तो अगेन जानने की जरूरत नहीं है बस आप ये समझिए दिस इज द मेन विथ ऑफ द चैनल इसके अलावा वेटेड पैरामीटर मतलब जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है मान लेते हैं इतना पार्ट पूरा पानी में डूबा है तो दिस इज द जो भी सरफेस है आप उसे जोड़ लीजिए जोड़ने के बाद में आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज़ कॉल्ड एज वेटेड पैरामीटर थालवेग क्या होता है थालवेग वो होता है जहाँ पर रिवर की स्पीड रिवर के जो पानी होती है उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है मैक्सिमम अब देखिए दिस इज सिमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर वाटर की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होगी ऑब्वियसली मिड पॉइंट पे होगी और इसी वजह से थालवेक बोलेंगे दिस इज द मेन थालवेग लाइन लाइन का मतलब हाई स्पीड वॉटर की हाई स्पीड लाइन कहाँ पे होगी तो ये हो जाएगी आपकी मिडिल में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है अगर तो और अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो ऑब्वियसली अगेन यू हैव टू गो थ्रू विद द फॉर्मूला अगेन और कैलकुलेट करना पड़ता है जो कि आपको जरूरत नहीं है क्लियर इसके अलावा देखिए फिर आती है हाइड्रोलिक ज्योमेट्री हाइड्रोलिक का मतलब होता है पानी वाटर और ज्योमेट्री का मतलब होता है जो भी रेखागणित फॉलो किया आ रहा है यानी कि हाइड्रोलिक्स के कारण से जो भी ज्योमेट्री होती है दैट इज़ अगेन यहाँ पर हमें देखना होता है ये जो हाइड्रोलिक ज्योमेट्री होती है अगेन दिस इज़ अ सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक और ये हाइड्रोलिक्स एक मैकेनिक्स का टॉपिक होता है वहाँ पर ये पढ़ाया जाता है तो हाइड्रोलिक में आप केवल ये समझिए जैसे अगर कोई डैम है या रिजर्वायर है तो उसके कारण से यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल्स जो भी स्ट्रक्चर्स फॉलो होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक ज्योमेट्री क्लियर नेक्स्ट जो आती है उसको बोलते हैं रिवर और चैनल बेड कंफर्मेशन अब देखिए रिवर चैनल बेड का मतलब यह हो गया कि द बॉटम ऑफ द चैनल बॉटम ऑफ द चैनल अगेन कंटिन्यूसली यह दो तरीके की चीजें फेस कर रहा है एक वाटर के कारण से जो भी फ्रिक्शन जनरेट हो रही है ठीक है वाटर के कारण से जो भी उसकी एडेसिव फोर्स है उसके कारण से उसका एक कह लीजिए कि फ्रिक्शन जनरेट होगा उस फ्रिक्शन के कारण से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी और उस फोर्स के कारण से यहाँ पर रगड़ होगी और अल्टीमेटली यहाँ पर हमें चैनल के थोड़ी सी कह लीजिए चेंजेस दिखेंगे दिस इज़ द फर्स्ट फोर्स सेकेंड फोर्स यहाँ पर कंटिन्यूसली हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है भाई पानी है पानी के कारण से उसका डेंसिटी या डेंसिटी के कारण से रो डी जी यानी कि प्रेशर अब प्रेशर के कारण से वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण से लगातार इस पर लैंडफॉर्म डेवलपमेंट्स भी होते रहेंगे और इसके कारण से हमें चैनल मॉर्फोलॉजी बदलते हुए मिलेगी नेक्स्ट आती है रिवर और चैनल पैटर्न चैनल पैटर्न का मतलब यही है कि द रिवर वेलोसिटी ऑफ द वाटर विद इन द रिवर एक्चुअली डिफाइन द चैनल पैटर्न के आखिर में कैसे होने वाली है क्योंकि इसके पास दो फोर्सेज फिर से है एक मैकेनिकल फोर्स और एक है केमिकल फोर्स मैकेनिकल और केमिकल फोर्सेस के कारण से अगेन यहाँ पर लगातार अलग अलग दबाव बनते जाएगा दबाव इन द सेंस की वर्क एक्शन हो रही होगी और बिकॉज ऑफ दैट वर्क एक्शन ऑब्वियसली देर विल बी अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ द चैनल और वही चैनल पैटर्न हमें इस तरीके से देखने को मिलती है चैनल टाइप इसके कारण से हमारे पास कई सारे आ जाएंगे इस चैनल टाइप में हमारे पास कौन कौन से होंगे अभी हम लोग देखेंगे तो दे आर बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल पैटर्न्स। इसके अलावा चैनल फ्लो डायनमिक्स भी होती है दिस दिस कैन बी ऑफ टू टाइप अगेन एक स्टेबल और एक अनस्टेबल तो जो स्टेबल होगी वहाँ पर कोई सच हमें खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन जो अनस्टेबल होगी ऑब्वियसली वहाँ पर हमें कई तरीके की चीज़ें होंगी अब ये बेसिकली फ्लो के ऊपर में डिपेंड करती है जैसे एक होती है जिसे हम लोग लेमिनार फ्लो बोलते हैं और एक फ्लो होती है जो कि डिफरेंट होती है डायनमिक्स होती है वो दैट इज अगेन डिफरेंट थिंग तो अगेन इस इंजीनियरिंग टॉपिक में आपको जानने की जरूरत नहीं है आगे बढ़े तो चैनल मॉर्फोलॉजी का मतलब थोड़ा सा और भी डिफाइन किया गया है कि इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स जिसके कारण जो भी चीजें हम लोग हो सकती थी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली पीछे के स्लाइड में हम लोगों ने देखा जो भी इसकी टेक्निकल डिटेल्स है उस टेक्निकल डिटेल से दो ही चीजें आपको जोग्राफी में समझ में आई एक इरोजन और दूसरा डिपोजिशन आप इस इरोजन और डिपोजिशन के कारण से कई सारी चीज़ें बन सकती हैं जैसे आप खुद ही समझ सकते हैं सैंड बार बन सकता है सैंड ड्यून्स बन सकती है पॉटहोल्स बन सकता है प्लंज पूल बन सकता है रैपिड्स बन सकते हैं क्लियर या फिर जो बेज होते हैं तो ये सारी सारी चीज़ें जो होती हैं इस चैनल माफोलॉजी का ही पार्ट होती हैं एंड दिस दिस इज़ इन द रिवर बेड एंड हाउ दीज फीचर्स इंटरेक्ट विद द रिवर फ्लूड सच एज वॉटर एंड रिवर सेटिमेंट दे आर एक्चुअली इस पूरे के पूरे इको को आप बोलेंगे चैनल मॉर्फोलॉजी इस चैनल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आप चार तरीके से चैनल को डिवाइड कर सकते हैं एक होती है जिसे आप स्ट्रेट चैनल बोलेंगे स्ट्रेट चैनल का मतलब ये सिंपल सिंगल इस तरीके से चल रहा है तो ये हुआ इसका साइड व्यू ये मैंने जो बनाया है इसका साइड व्यू बताया है अब इसका फ्रंट व्यू कैसा होगा ऑब्वियसली फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से होगा पानी जो होती है इस तरीके से आ रही होगी क्लियर दूसरी जो है वो साइनोसॉइडल है साइनोसॉइडल का मतलब या साइनस आप बोल सकते हैं इट इज काइंड ऑफ लाइक दिस दिस इज अ टॉप व्यू इस तरीके से आपको मिलेगा फ्रंट व्यू कैसा होगा अरे फ्रंट व्यू सिंपल ऐसा ही होगा इसमें कोई अंतर नहीं होगा एवरीथिंग विल बी लाइक दिस यहां पर कोई अंतर नहीं होगा क्लियर तो ये हो गई आपकी साइनोसॉइडल वाली चीजें नेक्स्ट आती है ब्रेडेड चैनल ब्रेडेड चैनल का मतलब क्या होता है ब्रेडेड चैनल का मतलब ये होता है कि जब जैसे डेल्टा डेल्टा इज अ काइंड ऑफ यू कैन से ब्रेडेड चैनल क्योंकि यहाँ पर क्या होती है कि मान लेते हैं कि दिस इज द मेन स्ट्रीम मान लेते हैं कि ये मेन स्ट्रीम है इस मेन स्ट्रीम से जब छोटी छोटी कई सारी और भी चीज़ें इस तरीके से निकल जाती हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि बीच बीच में डिपोजिशंस हो जाते हैं ऑफ द सेडिमेंट और इस तरीके से जो चैनल होती है वो ब्रेडेड हो जाती है तो बस सिंपल यही है कि जब चैनल इस तरीके से हो जाएगा तो उसे ब्रेडेड चैनल हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है दीज दीज जो मतलब ब्रांचेज निकली हुई हैं दे आर एक्चुअली इनस्टेबल स्टेबल नहीं है लेकिन अगर यही चीज स्टेबल हो जाए मतलब परमानेंट हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं एनास्ट्रामिंग चैनल ठीक है तो यहां पर क्या होता है टू आर टू मोर देन टू चैनल विद स्टेबल आईलैंड यहां पर जो सेडिमेंट्स हुए हैं बेसिकली उसे आईलैंड बोलते हैं एंड दे आर दे हैव है स्टेबल आईलैंड uh, और इस कारण से हम लोग इस चैनल को बोलते हैं एनास्ट्रामिंग चैनल क्लियर अगेन केवल और केवल आपको यह सरफेशियल डिटेल्स ही पढ़नी है इसको डिटेल में आपको नहीं जानना है इसके अलावा आप आगे रिवर ग्रेड के बारे में पढ़ सकते हैं देखिए यहाँ पर भी चीज़ें वही हैं जो आपको रिवर के कारण से जो लैंडफॉर्म्स बने हुए थे यूथ पीरियड मैच्योर पीरियड एंड देन सेनाइल स्टेज तो इन तीनों स्टेज के बारे में जो भी चीज़ें थी वही चीज़ यहाँ पर भी हैं बस यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल के साथ में है इसे दिया गया था गिलबर्ट साहब के द्वारा गिलबर्ट ने कई सारी खोजी हुई हैं जैसे कि एक हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक पैटर्न को भी गिलबर्ट ने ही दिया हुआ था क्लियर तो गिलबर्ट साहब का हमारे इस जोग्राफी में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है तो इनका नाम याद रखिएगा ग्रेडेड रिवर क्या होती है इट इज़ अ स्टेट ऑफ रिवर अपने आप समझ में आ रहा है ग्रेड का मतलब क्या होता है व्हेन यू आर ग्रेडिंग इट मतलब आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं इसे ही ग्रेडिंग बोल देते हैं So, यहां पर क्या होती है कि जब रिवर प्रोसेस एंड रिवर एनर्जी इन दो के बेसिस पे मतलब इन दोनों के बैलेंस के बेसिस पे जब हम इस चीज को डिवाइड करते हैं ग्रेड करते हैं तो इसे हम लोग रिवर ग्रेडिंग बोलते हैं एंड दीज आर डेलीकेटली बैलेंस दैट द रिवर परफॉर्म्स द वर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर लोन फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज द ग्रेटेस्ट स्टेट is essentially slope angle obviously slope angle is the only thing that you can uh, measure on based on that आप यहां पर डाउन कटिंग और लेटरल इरोजन क्या हो रही है उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं देखिए स्लोप एंगल क्या होती है what इज स्लोप स्लोप का मतलब ये होता है horizontal एंड वर्टिकल का क्या हमें रेशियो मिल रहा है दिस इज स्लोप सपोज दिस इज थीटा दिस इज एच मान लेते हैं डब्ल्यू तो दिस इज व्हाट टेन थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन डब्ल्यू अब ये क्या चीज है दिस इज स्लोप यही तो स्लोप है अब देखिए यहां पर क्या हुआ एच मतलब क्या हो गया एच का मतलब हो गया डाउन कटिंग एंड डब्ल्यू मतलब क्या हो गया w मतलब हो गया इरोजन तो यहां पर आप इसको ये भी लिख सकते हैं दिस इज डाउन कटिंग डिवाइडेड बाई लेटरलोजन इरोजन इनफैक्ट यू कैन राइट दिस इन योर एग्जामिनेशन दिस इज स्लोप स्लोप इज फंक्शन ऑफ फंक्शन लिखिएगा क्योंकि यहां पर टैन दैट टैट लिखने की जरूरत नहीं है तो फंक्शन ऑफ डाउन डाउन कटिंग एंड इरोजन और उसी के बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं अब यहां पर देखिए क्या क्या चीजें आ सकती हैं थालवेग आ सकता है रिवर का पैटर्न आ सकता है रिवर की विथ आ सकती है रिवर की डेप्थ आ सकती है तो जितनी भी टेक्निकल डिटेल हम लोगों ने पढ़ी थी इन द चैनल मॉर्फोलॉजी यू कैन अगेन यूज ऑल टेक्निकल डिटेल्स हियर इन रिवर ग्रेड क्लियर तो अगर आपको स्लोप मैक्सिमम चाहिए देन क्या होगा होगा यही कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम आप जैसे देखिए टैन का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो दिस इज समथिंग लाइक दिस इस तरीके से होता है ना इस तरीके से तो यहां पर टैन के ग्राफ में आपको यही चीज मिलेगी कि जितना ज़्यादा आप स्लोप बढ़ाते जाएंगे यू विल गेट द हाइएस्ट स्लोप और ये कैसे होगा रिवर थालवे के बेसिस पे और इसके जो भी एंगल होते हैं दिस ऑल नीड टू बी बैलेंस्ड और इसी बेसिस पे आप निकाल सकते हैं ठीक है टेक्निकल टेक्निकलिटी में अगेन मत जाइएगा दिस इज द टॉपिक जहाँ पर आपको सरफेशियल डिटेल्स पढ़नी होती हैं तो यहाँ पर जितना डा डिस्चार्ज आ जाएगा वो उतना ही ज़्यादा आपको रिवर का स्लोप मिलता जाएगा तो जितना क्योंकि डाउन कटिंग इज इम्पॉर्टेंट डाउन कटिंग ज्यादा होगा देन ओनली यू विल गेट द स्लोप इन हाई मैनर ठीक है तो यहाँ पर जो डिस्चार्ज ऑफ द रिवर होगा दैट इज द क्लाइमेट एंड अमाउंट ऑफ वाटर इट कैरीड ये जो होती है सेडिमेंट लोड को अल्टीमेटली बढ़ाएगी और इसके बेसिस पे हमें चीज़ें मिलेंगी इसके अलावा ग्रेन टेक्सचर साइज ऑफ द ग्रेन दीज आर आल्सो इम्पॉर्टेंट हियर इन ग्रेड रिवर ग्रेड यहाँ पर जो स्टेट इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर दिस इज़ एक्चुअली द स्ट्रक्चर नॉट आर स्ट्रक्चर या फिर जो रिलेटिव हार्डनेस ऑफ रॉक होती है उस पर क्योंकि हार्डर रॉक होंगी तो सीधी सी बात है वहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी टाइम लगेगा तो इसको अचीवमेंट में इस रिवर ग्रेड के डेवलपमेंट में टाइम लगेगा लेकिन अगर सॉफ्टर रॉक होगी तो आसानी से हो जाएगी कंडीशन इज सो डेलीकेट दैट ग्रेड स्टेट हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन रियल लाइफ एज ऑफ नाउ क्योंकि ये टेम्परेट ऑल दिस थिंग्स आर टेम्परे नेचर दे आर नॉट परमानेंट बट रिवर ग्रेड को डेवलप होने के लिए एक परमानेंसी चाहिए होती है अगर हम लोग देखें डिविशियन साइकिल के हिसाब से आखिर में ये ग्रेड का क्या इंटरप्रिटेशन है तो अगेन आप देख सकते हैं कि यूथ स्टेज मैच्योर स्टेज एंड जो सेनाइल स्टेज है डेविस ने इस पूरे के पूरे ग्रेडिंग सिस्टम को टाइम फंक्शन के साथ में यानी कि स्टेज के साथ में इसको कंसीडर किया था स्टेज के फॉर्मेट में और इस स्टेज के बेसिस पे इन्होंने इस पूरे सिंट, जो सिस्टम है उसको जेंटल स्लोप स्मूथ थालवेग और इस बेसिस पे इन्होंने मैचोरिटी फेज तक यानी सेनाइल फेज तक आप डिस्कस कर सकते हैं द ग्रेटर स्लोप विल ग्रेजुअली ग्रो अप स्ट्रीम अनलाइक एज इन द स्लोप डिक्लाइन मॉडल जैसा कि स्लोप डिक्लाइन में क्या है कि अपलिफ्टमेंट इरोजन दोनों साथ में करा दिया गया था जिसके कारण से ये प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाएगा इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस की है आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट यू कैन स्किप इट और यू कैन मेक योर ओन नोट्स फ्राम हियर तो आप इसको देख सकते हैं बाकी आई एम रीडिंग इट हीयर द कंसेप्ट ऑफ ग्रेड इन इनकन्सिस्टेंट विद डिविजियन मॉडल बिकॉज इफ द रिवर इज टू अचीव द ग्रेडेड स्टेट देन इट कुड प्री मैच्योरली टर्मिनेट द साइकिल ऑफ इरोजन ग्रेडेड स्टेट इज अचीव अ कंडीशन इन डायनेमिक्विमियम एंड इंटरमीडिएट स्टेट बिफोर लो एनर्जी एंड हाई इंट्रॉपी तो हाई इंट्रॉपी इसे अचीव करना जरूरी होता है जैसे कि जे टी हैक ने भी बताया था कि इंट्रॉपी नीड टू बी मैक्सिमाइज अदरवाइज सिस्टम जो होगी वो स्टेबल नहीं होगी सिस्टम स्टेबल नहीं होगी तो ऑब्वियसली इट विल ट्राई टू गेट द स्टेटस ऑफ स्टेबिलिटी एंड इस कारण से यह डायनेमिक इक्लिबेरियम स्टेट में आ जाएगा तो डायनेमिक बैलेंस इज नॉट पॉसिबल इन द क्लोज सिस्टम परस्पेक्टिव एंड दे आर इनकंसिस्टेंट विद द कंसेप्ट ऑफ ग्रिड एंड इन दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ग्रेडेड स्टेट टू डिपेंड ऑन द ग्रीन टेक्सचर एंड नॉट एन रॉक हार्डनेस अब जैसे जो हार्डर रॉक होगी उसके कोर्स ऑफ मटेरियल होंगे डेवलपमेंट होने में टाइम लगेगा तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को समझा एक छोटा सा कंसेप्ट और भी है सिस्टम्स एनालिसिस को लेके सिस्टम्स एनालिसिस तो हालांकि हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाले टॉपिक में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है जैसे बर्ट का कंसेप्ट देन फिर हम लोगों ने कोरी के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ था तो उसी कंसेप्ट के बेसिस पे ही हमारे पास सिस्टम जो है बेसिकली वो दो तरीके का होता है एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम दूसरा होता है जिसे क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं हालांकि एक और सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम बट ये जोग्राफी में यहाँ पर काम नहीं आती है बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ टू बी यूज इन द फिजिक्स फिजिक्स में मेनली यूज़ होती है यहाँ पर क्लोज सिस्टम उसको बोलते हैं जहाँ पर ना मास का ट्रांसफर होगा जहाँ एनर्जी का ट्रांसफर होगा जैसे कि आप डिवीजन मॉडल बोल सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम को एकदम अलग रखा गया है और उसमें डेवलपमेंट करने की बात की गई है जैसे आप लिफ्टमेंट हो गया देन ओनली रिजनल विल टेक प्लेस दैट मीन्स वॉट कि यहाँ पर सिंगल फैक्टर काम कर रहा है यानी कि सिस्टम इज क्लोज सिस्टम वहीं पेंग के बारे में बात करेंगे तो इट विल बी अ ओपन सिस्टम यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ लग रही हैं इसके अलावा इसके और डिटेल में हम लोग एडवांस में बात करेंगे एडवांस जोग्राफी कोर्स में सो दोज हु आर इंटरेस्टेड ऑबियसली यू कैन गो थ्रू विद दैट कोर्स इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है तो ऑब्वियसली यू कैन यू यू कैन रीच अस बाय यूजिंग दीज मोड्स अपने डाउट्स को भी आप पूछ सकते हैं ईमेल करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड दिस इज कंप्लीट जियो मार्फोलॉजी आपकी कंप्लीट हो गई है यू कैन गो टू विद द क्वेश्चंस पार्ट ईयर के क्वेश्चन को कर सकते हैं इसके अलावा एवरी सैटरडे वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ सेशन इन दैट वी विल ट्राई टू कम लाइव और वहाँ पर जो भी आपके आंसर राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वी विल ट्राई टू डिस्कस दैट and uh, so be ready with your questions and uh, we are again um, uh, starting a new this initiative of uh, live question taking. Milton, actually, till then goodbye and thank you so much.